नहीं धर्मराज, दुर्भाग्य, तुम्हारा और तुम्हारे भक्तों का दुर्भाग्य। हंस लो धर्मराज, हंस लो, लेकिन आज से जिसने धर्म को माना, धर्म की पूजा की, उसे मैंने मारा, उसे मैंने तोड़ा। मानने वाला अमर और अटल होता है अधर्मराज, धर्म की मूर्ति पत्थर की नहीं जो टूट जाए। देखना है धर्मराज, तो बोलो तुम्हारे कौन से भक्त का धर्म नष्ट कर दूं, किसकी भक्ति को छुड़ाकर अपना सेवक बना लूं। मैं बोलता नहीं, दिखाता हूं, वो देखो। देखा देखा, अवंतीपुर का युवराज अजय पाल, दुर्गा भगवती का परम उपासक, धर्म का परम भक्त। धर्मराज, तुम्हारे इस भक्त को मैं यूं ठिकाने लगा दूंगा, मेरे पास 6 राक्षस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। तुम्हारे पास 6 राक्षस हैं, तो मेरे पास भी धर्म की गाय है। तुम्हारी हर हार पर मेरी एक गाय भक्त की रक्षा के लिए जाएगी, और जब उसकी भी हत्या हो जाए तो तुम इस सिंहासन छोड़कर मेरे पास चले आना। सब हमारे सेवक हो और स्वामी की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। धर्म नहीं कामदेव, अधर्म कहो, तुम अधर्म के सेवक हो, लेकिन मैं आज तुम्हें नहीं भेजता। दुष्ट क्रोध, जाओ अजय पाल के शरीर में प्रवेश करो। जो आज्ञा महाराज। जाओ। Thank you.
तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जताती है, कितना प्यार जताती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जताती है, कितना प्यार जताती है। स्वास स्वास की रक्षा करती, स्वास स्वास की रक्षा करती, पग पग प्राण बचाती है, कितना प्यार जताती है। ऋषियों की विद्धि सिद्धि तू ब्रह्मा की भक्ति माँ, तू विष्णु की माया देवी, तू शंकर की शक्ति माँ। तू ऋषियों की विद्धि सिद्धि तू ब्रह्मा की भक्ति माँ, तू विष्णु की माया देवी, तू शंकर की शक्ति माँ। तू माँ सोते भाग जगाने, भागी भागी आती है, कितना प्यार जताती है। काली महाकाली दुर्गा तू ही बाल भवानी है, तू पुराण का सार शारदा, तू वेदों की वाणी है। तू काली महाकाली दुर्गा तू ही बाल भवानी है, पुराण का सार शारदा, तू वेदों की वाणी है। तू बालक को गोद में लेकर जीवन गीत सुनाती है, कितना प्यार जताती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जताती है, कितना प्यार जताती है। माता दुर्गा भगवती की जय, माता दुर्गा भगवती की जय, यमराज नेपाल की जय, यमराज नेपाल की जय। आज तो अजय भैया की बड़ी जय जयकार हो रही और तुम्हारी हार हो रही है मदन कुमार। बड़े के सामने छोटे की हार ही जीत होती है मूर्ख। जो अपने शत्रु को बड़ा मानता है मूर्ख वो होता है। मदन भैया, मां के मंदिर में कोई शत्रु भी आ जाए तो उसका स्वागत करना चाहिए। अतिथि से क्षमा मांगो भैया, ये तुम्हारी आज्ञा है? नहीं, ये मेरा प्यार है। मैं अपने सौतेले भाई के प्यार को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं मदन। अरे बड़ा भाई बाप के समान होता है, ये तेरा बाप है। मदन भैया, एक चाटा तुझे अपनी मर्जी से मारा है, दूसरा मेरी खुशी से मार दो। माँ, माँ ये कैसा भाई है? महाशय तुम्हारी कृपा से दो तमाचे तो पड़ गए हैं, अब क्या लात खिलवाना चाहते हो? चलो जाओ 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 जाओ। राजमाता, मेरा मदन, मेरा लाल, मेरा कुमार। मैं आपका कुछ भी नहीं,
बेटे? मैं आपका बेटा भी नहीं, मैं तो युवराज अजय पाल का एक तुच्छ सेवक हूँ। मदन। माँ, दुर्गा भगवती के मंदिर में युवराज अजय पाल ने एक बूढ़ी के पैर पकड़कर क्षमा मांगने को कहा। मैंने विरोध किया तो उठा के मुझे चांटा मारा और फिर लोगों से कहा इसे धक्के मार के बाहर निकाल दो। कहाँ है वो दुष्ट? मैं तुम्हारी माँ नहीं जो आज उसकी बोटी बोटी ननोच रही हूँ। महारानी जी, महाराज पधार रहे हैं। तुम जाओ बेटे, आज मैं महाराज के साथ वही खेल खेलूंगी जो महारानी केकई ने राजा दशरथ के साथ खेला था। तुम जाओ। रानी, 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 ओहो, तुम्हारी रूठने की आदत न गई। तुम तो हमारे प्यार को ठुकरा रही हो रानी। प्यार? क्या आप दिल पर हाथ रखकर कहते हैं क्या आप मुझे प्यार करते हैं? कलेजा चीर कर दिखा दूं रानी। आपका प्यार सच्चा है तो आपको अपने प्यार की सौगंध कुमार को बनवास दे दीजिए। किसको? अजय पाल को। अजय पाल तो आपका बेटा है महाराज, बनवास तो मैं अपने बेटे के लिए मांग रही, उसे दे दीजिए। रानी, आज तुम अजय पाल को पराया समझने लगी? आज ही तो उस निर्दयी ने मेरे बेटे को मारा है, दुर्गा भगवती के मंदिर में सबके सामने मेरे बेटे का अपमान हुआ है महाराज। देवी और धर्म को मानने वाला किसी का अपमान नहीं कर सकता रानी। हाँ, तो मैं झूठ बोल रही हूँ। मदन ने झूठ बोला होगा। हाँ, दुआई है, दुआई है, इनका बेटा सच्चा और मेरा बेटा झूठा। युवराज, युवराज, हेलो। अरे भाई, तुमने भी तलवार उठा ली? क्या समझ रखा है आपने अपने सेवक को? मैंने कोई आपकी तरह हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी है। ललकार ये अपने दुश्मनों को, एक एक को, एक एक को, एक एक को मूली गाजर की तरह काट कर फेंक दूंगा, फिर देखिए मेरे तलवार के जौहर। हेलो, मेरा तो दुश्मन कोई भी नहीं। मेरा तो दुश्मन कोई भी नहीं, तो छोटे कुमार क्या है? अरे मदन, वो तो मेरा छोटा भाई है। वो तो मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई बड़े भाई के मुंह पर थाता 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 थप्पड़ मारे। क्या थप्पड़ मारा है? आपको भी बहुत जोर से लगा होगा। हेरो, वो तो भाई का प्यार था। भाई का प्यार था? मुझे तो ऐसा क्रोध आ रहा था, ऐसा क्रोध आ रहा था। सुनो भैरो, सुनाइए। क्रोध में आकर भाई भाई तो क्या, बेटा बाप के मुंह पर थप्पड़ मार देता है, पति पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है। हम जैसे संसारियों की तो बात ही छोड़ो, क्रोध में आकर तो सन्यासी भी श्राप दे देते हैं। क्रोध न करना रे संसारी, क्रोध किया तो भूल की भारी। सौ सौ घर एक साथ जलाती, क्रोध की छोटी सी चिंगारी। करना रे संसारी, क्रोध किया तो भूल की भारी रे। क्रोध न करना रे संसारी, क्रोध किया तो भूल की भारी रे। के बस में भाई भाई को दुश्मन बन ललकारे, बाप के मुंह पर बेटा बोले पत्नी को पति मारे। क्रोधी का घर नरक की ज्वाला, क्रोधी का घर नरक की ज्वाला, जलते नर और नारी रे, जलते नर और नारी। क्रोध न करना रे संसारी, क्रोध किया तो भूल की भारी रे।
कर लड़े पड़ोसी देश का हो बंटवारा, अपने पल में बने पराए बिखरे कुनबा तारा, फूल फूल कांटा बन जाए, फूल फूल कांटा बन जाए, उजड़ जाए फुलवारी रे, उजड़ जाए फुलवारी, क्रोध न करना रे संसारी, क्रोध किया तो भूल की भारी रे, क्रोध न करना रे संसारी। युवराज, क्रोध इतनी बुरी बला है? जी 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 जी, मैं कान पकड़ता हूँ, मैं अभी कभी क्रोध नहीं करूंगा। ये लीजिए तलवार फेंक दी, कल से हुक्का हाथ में रखा करूंगा। चलिए इसी खुशी में सवारी हो जाए। सवारी हो जाए? हाँ, घोड़ा और गधा दोनों तैयार हैं। आप गधे पर बैठ के, आप घोड़े पर बैठ के शेर का शिकार कीजिए और मैं गधे पर बैठ कर लोमड़ी का। नहीं भैरव, आज मुझे दरबार में जाना है। दरबार में परियों का नाच देखने? नहीं, वहाँ आज पुरुषार्थ और प्रारब्ध पर चर्चा होने वाली है। ओहो, पुरुषार्थ और प्रारब्ध पर चर्चा होने वाली है? ये चर्चा अपने समझ में नहीं आती, इसलिए ये चर्चा आप जाकर कीजिए, मैं घर जाकर पाक शास्त्र पर चर्चा करता हूँ। मेरा मतलब है रोटी और तरकारी पर। किस्मत किस्मत है लोगों, मेरी ये तलवार किसी के भी दो टुकड़े कर सकती, लेकिन ये तलवार हाथ में बड़ी किस्मत से आती। किस्मत बेशक बड़ी चीज है मदन, मगर किस्मत से बड़ी मेहनत है। मेहनत? मेहनत? मेहनत मजदूर करता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसे मिलता क्या है? और किस्मत, किस्मत मजदूर का लहू निचोड़ के सुंदर महल खड़े कर देती है। तुमने किस्मत का बड़ा भयंकर रूप देखा मदन, किस्मत आदमी को पत्थर बनाती है, लेकिन मेहनत उसे पारस बना देती है। शाबाश शाबाश अजय कुमार, युवराज अजय पाल की, युवराज अजय पाल की, युवराज अजय पाल की। क्या सुन लो, हम अजय की युक्ति को नहीं मान सकते। क्यों अजय, अगर तुम्हारा जन्म राजघराने में ना होता तो तुम्हें कोई राजकुमार मानता? आदमी जन्म से नहीं कर्म से पहचाना जाता है महाराज। तुम मूर्ख हो, जिस किस्मत ने तुम्हें युवराज बनाया है मानते क्यों नहीं कि वो किस्मत बड़ी है, मेहनत बड़ी नहीं? किस्मत जन्म देती है महाराज, लेकिन मेहनत जन्म को सुधारती है। मेहनत मेहनत, तुम्हें अपनी मेहनत पर इतना नाज है तो जाओ, निकल जाओ हमारे देश। महाराज महाराज, ये अन्याय होगा, विषय पुरुषार्थ और प्रारब्ध का है। आप ज्यादा से ज्यादा राजकुमार से पुरुषार्थ की परीक्षा ले सकते हैं। अजय, तुम अपने पुरुषार्थ की परीक्षा दे सकते हो? हाँ महाराज। तो जाओ पाताल लोक से लाल मणि लेकर आओ। लाल मणि? महाराज पाताल तक तो पहुंचना बहुत मुश्किल है। मैं पहुंच जाऊंगा राजगुरु, मेरे सर पर मां दुर्गा का हाथ है, धर्म का हाथ है। युवराज युवराज। छुमंतर, मैं आज से युवराज नहीं एक यात्री हूं। मैं भी इस यात्रा में आपका साथ दूंगा। मेरे साथ भैरव जा रहा है, तुम जंगलों में कहां भटकोगे? नहीं, मुझे भी साथ ले चलिए। अच्छा चलो। युवराज तुम धन्य हो, ऐसी धीरज को नमस्कार। गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम्हें मेरा सदा आशीर्वाद है युवराज, तुमने क्रोध पर विजय पाकर देवी और धर्म को प्रसन्न किया है, तुम्हारी सदा विजय हो। जाओ युवराज, माँ दुर्गा तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। अधर्म राज की जय। और तुम्हारी क्रोध? मैंने अजय पाल पर विजय पाई है। झूठ! मैंने मदन कुमार को भड़काया, मेरे भड़काने से छोटे भाई ने बड़े भाई के मुंह पर चाटा मारा। ये मेरी विजय है कि महाराज ने युवराज को देश निकाला दे दिया। चुप रहो, तुम अजय पाल पर अपना प्रभाव नहीं डाल सके, जाओ। काम
काम। अब तुम जाओ और अजयपाल के हृदय पर वही बाण चलाओ जो महर्षि विश्वामित्र पर चलाया था। जाओ। शर्माना भी तो एक गीत है। हमसे छेड़ ना करो सुंदर। सुंदरता
जैसा नाम वैसा रूप पाया है भगवान की दया से। और अरे और क्या कर रहा है? तो सर पर कहा सवार होती हूँ, इसमें बिगड़ने की क्या बात है? तुम अगर सुंदरता हो तो मैं सुंदरता का पुजारी। और आप तो? आप हैं संगीत की जननी, गीत की माता और श्री कृष्ण भगवान की उंगलियों की शोभा। संगीत की जननी, गीत की माता और श्री कृष्ण भगवान की उंगलियों की शोभा। मैं आपका नाम समझ गया, आपका नाम है आरसी। क्यों हो रहा है भैरव? आरसी तो भगवती राधा की उंगलियों की शोभा हो सकती है, भगवान श्री कृष्ण की उंगलियों की शोभा तो सिर्फ बंसरी हो सकती है। ठीक है, बंसरी नहीं, राजकुमारी बंसरी वाला। परदेसी हमें किसी भी नाम से पुकार सकते हैं सुंदरता, इनसे हाथ जोड़कर कहो कि ये हमारे राजभवन में पधारे। हमें बहुत दूर जाना है राजकुमारी। सुंदरता, आने वालों के पैर पकड़ लो, बोलो अपने अपने देश का रिवाज है। हमारे देश का भी यही रिवाज है, कोई परदेसी आ जाए बस फिर ऐसी खातिर करते हैं कि बेचारा घर जाने का नाम ही नहीं लेता, वहीं रह जाता है। क्यों युवराज? अब तो पधारिए युवराज। साधु की लकड़ी, चमत्कार। मुझे तो स्वर्ग की अप्सराएं नजर आ रही है। तो क्या पहले नजर नहीं आती थी? सुंदरता, ये समझने की बात है, पहले समझा करो फिर पूछा करो। अरे पहले मैं किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं था, पर अब तेरी तरफ घूर घूर के देखता हूँ। पहले मेरा दिल धड़कता नहीं, अब तो फड़कता है। पहले मचलता नहीं था, अब तो दिल मचलता भी है। ले तू भी ये जादू की लकड़ी सुन और स्वर्ग में आ जा। ले सुन, थोड़ा थोड़ा बस। राजकुमारी ने भी तो ये लकड़ी नहीं सूंघी थी। राजकुमारी को डाल कुएं में, अपनी कह। तेरे को कुछ असर हुआ? हुआ। असर हुआ? दिल धड़का। वो मारा पापड़ वाले को, बोल जोर से धड़का। धड़कन लगा जोर से। महाराज। कौन? अधर्मराज, मैं आपको सावधान करने आया हूं। राजकुमारी बसरी बाला जिस राजकुमार के प्रेम में फंसकर राज महल में ले गई है, वो आपका काल है। मेरा काल? असंभव, मैं अपने काल को वही ढेर कर दूंगा। युवराज, कहां आप और कहां मैं? प्रारब्ध ने हम दोनों को कैसे मिला दिया? आप प्रारब्ध को मानती हैं और मैं पुरुषार्थ को। मैं तो चाहती हूँ कि आप और मैं दोनों ही किसी को न माने, दोनों मिलकर एक प्रेम देवता की आराधना करें। मैं प्रेम का पुजारी बनकर घर से नहीं निकला बंसरी, मेरी यात्रा बड़ी लंबी है। यात्रा अकेली पूरी नहीं होती युवराज, अब तो जहां आप वहां मैं। बंसरी वाला। पिताजी आ गए। युवराज आप छुप जाइए। मैं चोर नहीं हूँ। आप चोर नहीं लेकिन मैं चोर हूँ, मेरे खाते छुप जाइए। युवराज आइए। बंसरी। पिताजी कहाँ है वो? वो कौन पिताजी? मेरा काल। आपका काल कौन पिताजी? तुम्हारा प्रेमी। पिताजी मेरी मौत से प्यार करने वाली हत्यारे, हट जा मेरे रास्ते से, ये रहा मेरा काल। ना मैं जिंदगी हूँ ना मौत, मैं तो चलता फिरता मुसाफिर हूँ। मैं तुम्हारी इन छुपी छुपड़ी बातों में आने वाला नहीं, तुम मेरे काल और मत। अब मुझे आज्ञा दो। युवराज, भगवान के लिए मुझे भयानक गाय से बचाओ, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं।
कामदेव, तुम्हारे तरकश में एक ही बार तो नहीं, एक बार फिर जाओ जाओ। खटाके
छम पाए बजाओ सखी रे कैसे छम 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 पाए बजाओ अंग अंग काटे सखी मोरा अंग अंग काटे सखी मोरा कैसे ये दुनिया लगाओ सखी रे कैसे छम 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 पाए बजाओ शीतल पवन सताए सचनी शीतल पवन सताए कैसे पास पिया के आओ सखीरी कैसे छम 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 पाए बजाऊं सखीरी से छम 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 पाए बजाऊं तुम्हारा बंसरी दोनों का नहीं नहीं मुझे अपने पुरुषार्थ की परीक्षा देनी है मुझे जाने दो नहीं युवराज अगर तुम ऐसे में चले जाओगे तो मैं पागल हो जाऊंगी अगर तुम मुझे रोकोगी तो मैं पागल हो जाऊंगा युवराज मेरे पांव में बेड़ियां डालो बंसरी अगर मेरा पुरुषार्थ सिद्ध हो गया तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा तुम्हारा भी धनुष बाण टूट गया लो अब तुम जाओ और अजयपाल को अपने जाल में जकड़ लो जाओ हेलो चुमंतर भैरव कहाँ है भैरव तो यहाँ प्रेम के चक्कर में फंसकर यहीं रहना चाहता है और कहता है कि सुंदरता के बगैर हम नहीं चलेंगे उसे यहीं रहने दो मेरा पुरुषार्थ किसी का इंतजार नहीं कर सकता ठहरिए युवराज तुम हमें क्यों रोक रही हो राजकुमारी बंसी वाला ने ये अंगूठी और बंसी आपको भेंट दी है उनकी ये भेंट परदेश में मैं कहाँ संभाल कर रखूंगा ये अंगूठी और बंसी जादू की है युवराज इससे आप जो मांगेंगे फौरन मिल जाएगा अपनी राजकुमारी से कहना मेरे पास उनकी सबसे बड़ी भेंट उनकी याद है मुझे और कुछ नहीं चाहिए ला मेरे को दे दे लो मुझे भुला नहीं देना चाहिए हाय रे हाय मंजीत मेरी मैना अरे मैं तो तुझको अपने दिल के छोटे से पिंजरे में बंद करके रखूंगा कहीं उड़ ना जाओ राजकुमार राजकुमार मैं तो बहुत थक गया
मुझे तो प्यास भी लगी है, बगैर पानी के गला भी सूख गया। पानी पानी कहाँ से लाऊं छुमंतर, यहाँ तो दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं देता। तो मैं क्या करूँ, मुझे तो पानी चाहिए, पानी। क्रोध और काम से तो बच गया, लेकिन मेरे जाल में फंसकर इसकी भक्ति का घमंड टूट जाएगा। सूरज पानी। क्या तुम लोग प्यासे हो, जल चाहिए? हाँ बाबा, तुम्हारे पास पानी है? मेरे पास अमृत की गागर। तो बाबा थोड़ा इसे पिला दीजिए। अमृत पीने के लिए किसी पुण्य का दान करना पड़ता है। बाबा तुम जो को हम दान कर देंगे, मगर इसे पिला दो। मैं तुमसे धर्म का दान मांगता हूँ। धर्म का दान? हाँ, अगर तुम धर्म को त्याग दो तो मैं तुम्हारे लिए इसी जंगल को स्वर्ग बना देता हूँ। छुमंतर, धर्म छोड़ने से तो प्राण छोड़ना अच्छा है। हाँ ठीक है। जय जय दुर्गा, जय जय अम्बा, जय जय माता, जय जय काली, मेरी सहायता करो। जय माता जी। जय हो गौ माता, तूने धरती को शीश पर धारण कर रखा है। सुरभि, तेरी जय हो। माता जी तेरी सदा जय हो। वाह नर्तकी, हम तुम्हारे नाच गाने से बहुत खुश हुए। राजकुमार को और क्या, और खुश करो नर्तकी, ऐसे सुनहरे मौके बार बार हाथ नहीं आते। मारुति, मैं वेश्या नहीं। हम तुम्हें अपनी रानी बनाएंगे नर्तकी। यानी दिल की रानी बनाएंगे, अपनी पलकों पे सजाएंगे, आंखों में बिठाएंगे और अपने मन के आंगन में जीवन भर यूं ही नचाएंगे। तुम्हारे रंगो रूप पर मोहित होकर ही तो राजकुमार ने। मेरा रंग रूप मेरे पति की अमानत है, मैं राजभवन में अपनी इज्जत देखने नहीं आई। दो कौड़ी की नाचने वाली की ये जुर्रत हमसे तो बहाना उड़ा रही। मारुति पकड़ लो इसे। क्या हो रहा है? मनन, हम तो जरा अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रहे थे महाराज। दिल बहला रहे थे तो तुम अपने पिता का नाम इसी तरह ऊंचा करोगे? आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं पिताजी। पिताजी का बच्चा, हमने क्या कसूर किया है पिताजी? तुमने हमारे राज की मर्यादा भंग की, एक स्त्री के धर्म को नष्ट किया है निलज। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आपके चरण छू के कहता हूँ, आज से अजयपाल की तरह आज्ञाकारी पुत्र बन के रहूंगा। अजयपाल की तरह? तुम अजयपाल की तरह बनना चाहते हो तो जाओ, तुम भी लालमणि लेकर आओ। ये तुम्हारे पिता का नहीं महाराज का हुक्म है, जाओ निकल जाओ हमारे देश से, और जब तक लालमणि लेकर ना आओ खबरदार अपनी सूरत मत दिखाना। जाओ चले जाओ। जो आज्ञा महाराज। युवराज भाई, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खा ले। इस जंगल में तो खाने को पत्थर मिलेंगे, पत्थर। पत्थर? नहीं नहीं, हम पत्थर नहीं खाएंगे, हम तो। याद आया, अगर आपको पराठे खिला दूं तो? छुमंतर तुम्हारा सर फिर गया सर। देखो अरे जादू की अंगूठी, चार पराठे, अचार, आलू का भुर्ता, एक लोटा पानी, जल्दी हाजिर कर। युवराज, पराठे, भुर्ता, अचार, लोटा पानी, हाथ धो लीजिए, हाथ धो लीजिए। भोजन करोगे? देखता हूं कैसे भोजन कर सकते हो। ताता, ताता, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। बड़ी भूख लगी है भैया,
अरे ओ भिखारी भाई, तुम ये जंगल में कहां से टक 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 टपक पड़े? पिताजी, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, ये पराठे मेरे चाली में दे दो, बड़ी भूख लगी। भगवान तुम्हारा भला करे। हरिओम हरिओम। देखता हूं मेरी राजकुमारी के रूप चाल से कैसे बच सकता है। आप भी दानी, आपके पिताजी भी दानी, आपका परिवार भी दानी, मगर ये कोई दान की रीत नहीं है राजकुमार। हमारा पेट तो खाली रहे और पराठे भिखारी की झोली में, वाह खूब दान की। राजेंद्र सिंह, किसकी आवाज? चलो मदद करें। राजधानी में पधारिए। धन्यवाद, मैं क्षमा चाहता। ठहरिए, आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो ये लोग मुझे फिर पकड़ लेंगे। हमें अफसोस है लेकिन हम आपके साथ नहीं जा सकते। आपको मुझ पर तरस नहीं आता राजकुमार? मेरे इस अनमोल सिंगार को देखिए, मेरा मतलब है फिर कोई रास्ते में लूट लेगा। मगर मैं ये पूछता हूँ कि इतने जेवर पहनकर इस जंगल में आने की क्या जरूरत थी? मैं इस देश के राजा की इकलौती और लाडली राजकुमारी। इस वक्त तो आप मेरे पुरुषार्थ के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी है। चलिए, कहाँ है आपकी राजधानी? वो देखिए, महाराज मुबारक हो, राजकुमारी जी आ गई। राजकुमारी आ गई।
हमारी प्यारी बेटी आ गई। पिताजी, हमारी बेटी को कौन भाग्यवान लाया है? ये राजकुमार। राजकुमार? राजकुमार वीर मालूम होता है और विद्वान भी जरूर होगा। राजकुमार, तुम जानते हो कि हम कौन हैं? मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं महाराज, मेरा काम पूरा हो गया। नमस्कार। हैरो, राजकुमार, तुम नहीं जानते कि कितने बड़े राज्य के हम मालिक हैं। आसमान से बातें करने वाली हवेलियां हमारे पास हैं, चंद्र और सूर्य को शर्मा देने वाले जवाहरात हमारे खजाने में भरे। लेकिन मेरे लिए ये सब बेकार है महाराज। तुम बड़े बदकिस्मत हो। मैं पुरुषार्थ के सहारे जीता हूँ। और हम तुम्हें प्रारब्ध के सहारे उठाना चाहते हैं। हम अपनी खुशी से अपनी सारी दौलत, सारा राज्य और अपनी प्यारी राजकुमारी तुम्हें भेंट देते। ये भेंट किसी लोभी को दीजिए महाराज, ये लालच मुझे नहीं रोक सकती। मैं लोभ में पड़कर अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ सकता महाराज। पुरुषार्थ के बच्चे, सिपाहियों गिरफ्तार कर लो और सूली पर चढ़ा दो ले जाकर। काम, क्रोध, लोभ तीनों हार गए। मोह, तुमने बड़े बड़े लोगों का मन मोह लिया है। ये अजयपाल तो कल का बच्चा है। जाओ। भगवान, ना आदमी ना आदमी की जात, किसी की शक्ल तो दिखा मेरे यार। अरे दादू, दादू, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, अरे मदन कुमार को बचाओ। अरे ये तो मारुति की आवाज है। हाँ, मदन भैया मुसीबत में है। चलो आज चलो। जब तो पिछड़े भाई गले मिलते हैं तो देवी देवता खुश हो जाते हैं। भैया, इन चरणों की सौगंध राजमाता ने सोने की जंजीरों में जकड़ना चाहा। महाराज ने राजपाट का लालच किया, लेकिन आपका प्यार मुझे जंगलों में घसीटता है। मदन कुमार जी, आप युवराज के मेहमान हैं, कहिए आपकी क्या सेवा की जाए। सेवा? इस जंगल में आप मेरी क्या सेवा कर सकते हैं? छू मंतर जादूगर है कुमार जी, छू मंतर जो चाहे
जब चाहे कर सकता है। ये बात है तो अरे छू मंत्र जी, अगर तुम मेरे मन की बात कर दो तो मैं तुम्हें अपने दिल की निचली से पिछली और उसके भी अंदर की तैसे गुरु मानने के लिए तैयार हूँ। और चेले तो तुम मेरे पहले ही से हो। मेरा मतलब ये है कि इस जंगल में परियों का नाच दिखा दो, दे इस जंगल में परियों का नाच दिखा दो इस जंगल। आज्ञा है राजकुमार। है जादू की अंगूठी इस जंगल में मंगल कर दे। भोले बल माता दे मैं जाऊँ कहाँ, मैं जाऊँ
दिल तो तुझे गुरु मान गया लेकिन पेट नहीं मानता। क्या मतलब? नहीं समझा। अरे भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे भाई तू कहे तो मैं जादू के जोर से एक बिल्ली पैदा कर दूं। अरे अब कोई चूहा किसी बिल्ली बिल्ली से नहीं डरता। मेरा मतलब है कोई ऐसा जादू कर जो इस पेट की आग बुझ जाए। भूख लगी है। अच्छा बोल क्या खाएगा? जो मैं कहूंगा वो मंगाएगा। हाँ अच्छा तो बताता हूँ। मेरा जिया का रत है पूरी भाजी खाने को। अच्छा भाई मंगाता हूँ। अरे मेरी जादू की अंगूठी हमारे लिए पूरी भाजी मिठाई और फल्ला। सुमंतर इस बर्फी का बाप भी बर्फी था। मदन कुमार जी। कुमार आप जी उठो सुबह हो गई। मेरी जादू की अंगूठी पंचरी। वो तो मदन और मारुति लेकर भाग गए। तो क्या आपका भाई चोर है युवराज? उसका उपकार मानो कि उसने हमें मोह माया के जाल से छुड़ा दिया। चलो स्नान करें। मगर युवराज वो ये अच्छा हुआ चुमंतर मेरे पुरुषार्थ को इन झूठे सहारों की जरूरत नहीं। आओ चलो चलो। सुंदरता ओहो बहुत भाव बढ़ गया है तुम्हारा। हमारी तरफ देखती तक नहीं है। चलो मुखड़ा दिखाओ। अयो क्यों घबरा गए क्या? नहीं नहीं इसमें घबराने की क्या बात है। तुम थोड़े को कुत्ता बिल्ली हो जो काट लोगी। अच्छा तो मैं चली। हाय हाय कहाँ चली? जरा ठहरो मेरी बात सुनती जाओ। आप तो सुंदरता के पुजारी हैं, मुझसे क्यों बातें करते हैं? अरे भाई तुमसे इसलिए बातें करते हैं अपना क्या। अपन तो जिस देवी के चरणों में प्रेम और शांति मिले बस उसी की पूजा करते हैं। हम तो प्रेम पुजारी हैं देवी। प्रेम पुजारी? इधर है। कौन है भाई? किधर? इधर। सुंदरता की देवी थी। जाओ जाओ देख लिया तुम्हारा प्यार मतलब हर जाए कहीं के। बिगड़ती क्यों हो? ऐसी कौन सी बात हुई? मेरी कौन सी बात हुई? कोई बात ही नहीं हुई। अभी क्या कर रहे थे? भगवान कसम तुम्हें याद कर रहा था। मुझे याद कर रहे थे या उस दासी के साथ आंखें लड़ा रहे थे? अगर मैंने किसी से आंख लड़ाई हो तो देखने वाले की आंख फूटे। तुम झूठ बोलते हो। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो बोलने वाले का मुंह सड़े।
तुम्हारे प्राणों की सौगंध, अगर मैंने कुछ किया हो तो तुम्हारी अर्थी उठाऊं। वाह वाह, गलती करो तुम और अर्थी हमारी उठे, आंखें हमारी फूटे, मुंह हमारा सड़े, चले जाओ यहाँ से। छोकरी गई काम से, बोलता कुछ हूँ समझती कुछ है। अरे तेरा तो भेजा सड़ गया है, मैं बात सीधी करता हूँ तू बात उल्टी समझती है। अब इसे कौन समझाएगा, मेरा बाप? नहीं नहीं तुम बताओ। देख भैरू, किधर? अगर तुम मुझे इसी तरह सताते रहे तो मैं कुछ खाकर मर जाऊंगी। बड़ी मतलबी है, मरते वक्त भी कुछ खाकर मरेगी, भूखे नहीं। देखो तुम अगर इतनी जल्दी मर गई तो मेरी देखभाल कौन करेगा? ये बातें कहीं और जाकर बनाना, अब मैं इन लच्छेदार बातों में नहीं आने की। देखो ऐसी बातें न करो, वरना मैं ये राजमहल छोड़कर, शीश मुंडाकर, हाथ में चिमटा लेकर, सन्यास लेकर चला जाऊंगा। तो चले जाओ, तुम्हें रोकता कौन है? देखो मैं एक मर्तबा अगर चला गया तो फिर वापस नहीं आऊंगा। जाऊं? हाँ जाऊं। जाओ 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 जाओ। हाँ जाओ 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 जाओ। पहले प्रीत जताकर मुझे रोक लिया और अब कहती हो धक्के मार के कि जाओ। तुम्हें किसने रोका था? तुम तो खुद ही एक मटके में छुप गए थे। ये मटके में नहीं, मटके में नहीं, संदूक में। ही ही। देवी मुझे क्षमा करो, अब मैं किसी को नहीं देखूंगा और किसी से नहीं बोलूंगा। तुम्हारी सौगंध। अगर अब तुमने ऐसी गलती की तो मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी, समझे? समझा समझा। अरे ये तो वो प्रेम का भान जरा सुन गया था ना, तो कभी कभी तबीयत बहक जाती है। कहीं बहकते बहकते किसी और को नहीं अपना लेना? ऐसा ना कहो, चकोर चांद को, भौरा फूल को, पुजारी अपनी देवी को छोड़ सकता है, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे छोड़ दो मेरा हाथ। क्यों? कोई देख लेगा। देखता है तो देखने दे, अपना क्या लेगा, खुद मरेगा। तू बोल बोल, तुझे क्या चाहिए? मैं दुनिया की सब चीजें ला सकता हूँ। मैं तुम्हें चाहती हूँ। मुझे? हाँ। सच? हाँ। अरे अरे पैरो पैरो पैरो, अरे ये तो गया काम से। फिर फिर मैं होश में हूँ। क्रोध काम और लोभ का वार तो खाली गया, लेकिन मेरा वार खाली नहीं जा सकता। पालकी ले आओ। युवराज, हमारी राजकुमारी का नमस्कार, पधारिए। मगर हम तो तुम्हारी राजकुमारी को पहचानते तक नहीं। छुमंतर, हमें इस पालकी के अंदर से किसने पुकारा? कौन हो जी? जरा देख तो लूं। युवराज, युवराज मैं गया, युवराज मैं गया। छुमंतर क्या हुआ? राजकुमारी को देख के डर गए क्या? नहीं वो राजकुमारी नहीं, वो तो बिजली है, बिजली। युवराज आपने हमें कैसे पहचाना? मैं बहुत कुछ जानती हूँ युवराज, मेरे गुरु मुझे बहुत पहले बता चुके थे कि अवंतीपुर के युवराज पाताल को जाते हुए इसी रास्ते से गुजरेंगे। कब से मैं आपका रास्ता देख रही हूँ युवराज। लीजिए युवराज, मुश्किल आसान हो गई। गुरु जी से पूछ लेंगे कि पाताल कहाँ है, लाल मणि कहाँ है और वहां पहुंचेंगे कैसे। मगर हमें पूछने की जरूरत क्या है छुमंतर? मैं अपने पुरुषार्थ से ढूंढ लूंगा। अरे पुरुषार्थ तो अपना पुराना मित्र है, मगर गुरु जी के दर्शन में अपना बिगड़ता ही क्या है। आइए युवराज। आइए देखिए, ये मेरा महल है। इस महल की दीवारें चांदी की हैं और फर्श सोने का, छत में हीरे जड़े हुए हैं। लेकिन ये सब कुछ तुम मुझे क्यों दिखा रही हो? इसलिए कि आपको मालूम हो जाए कि हम लोग कितने बड़े लोग हैं। देखिए एक से एक सुंदर, कोई सावी कोई गोरी, ये सब मेरे इशारों पे नाचती और गाती हैं। मुझे नाच गाने का शौक नहीं राजकुमारी। मत सुनिए, अगर आप चाहें तो मैं आपको वो अपनी फुलवारी दिखा सकती हूँ जहाँ फूलों की जगह मोती उगते हैं। आइए। ठहरो, पहले ये बताओ कि तुम मुझे ये सब कुछ दिखा के
मुझसे चाहती क्या हो? सिर्फ आपका प्यार युवराज। राजकुमार। युवराज, गुरु महाराज के दर्शन तो कर लीजिए। जीते रहो बच्चा, जीते रहो। नमस्कार गुरुदेव, नमस्कार। अजय पाल, हम जानते हैं कि तुम अवंतीपुर के राजकुमार हो। गुरु महाराज, आप तो युवराज का नाम भी जानते हैं। हम तुम्हारा नाम भी जानते हैं सुमंतर। और तुम जिसको प्यार करते हो उस सुंदरी का नाम है मनजीत। हाँ हाँ बाबा, हाँ आप तो अंदर की और बाहर की दोनों जानते हैं। और हम ये भी समझते हैं और जानते हैं बच्चा कि युवराज पाताल लोक में लाल मणि लेने जा रहे हैं। हाँ बाबा जी, क्या लाल मणि हम लोगों को मिल जाएगी? युवराज बोले तो हम लाल मणि इन्हें यहीं दिखा सकते हैं। बाबा जी, लेकिन लाल मणि तो पाताल में मिलती है। पाताल में नहीं बच्चा, मेरी मुट्ठी में। लाल मणि सूरज की तरह चमकती है और अंगारे की तरह दहकती है। लो देखो, लो देखो। बाबा जी, आप तो बड़े पहुंचे हुए साधु मालूम होते हैं। हाँ बच्चा, हमारी एक आंख आकाश से ऊपर देखती है और दूसरी आंख पाताल से नीचे। बोलो बच्चा, क्या चाहते हो? जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा जी। कुछ नहीं चाहते? जी नहीं। अरे बच्चा, हम तो प्रसन्न होकर तुम्हारा ब्याह इस राजकुमारी से करना चाहते हैं। नहीं बाबा जी। सुनो बच्चा, राजकुमारी के दहेज में जो खजाना तुम्हें मिलेगा वो कुबेर की धन दौलत से भी बड़ा है। अगर तुम राजकुमारी का हाथ पकड़ लो तो ये लाल मणि भी हम तुम्हें दे देंगे बच्चा। आप मुझे मोह माया के जाल में जकड़ना चाहते हैं बाबा जी। आपकी आंख ये नहीं देखती कि मैं पुरुषार्थी हूँ? प्रारब्ध साथ न देगा तो पुरुषार्थ किस काम का बच्चा? आप इसे प्रारब्ध कहिए, लेकिन मैं इसे मोह माया का बंधन समझता हूँ। मोह का शिकार होकर किसने सुख पाया है बाबा जी? माया मोह के महल सुनहरे, सबका मन भरमाते हैं। इन महलों में सोने वाले दिन चढ़ते पछताते हैं। माया मोह के महल सुनहरे, सबका मन भरमाते हैं। माया मोह के महल सुनहरे, सबका मन भरमाते हैं। इन महलों में सोने वाले, इन महलों में सोने वाले दिन चढ़ते पछताते हैं। माया मोह के महल सुनहरे, सबका मन भरमाते हैं। ये चांदी वो सोना है, ये ममता वो माया है। ये चांदी वो सोना है, ये ममता वो माया है। धन दौलत का लालच करके किसने गृहस्थ निभाया है। इनके फेर में पढ़कर जोगी अपना जन्म गंवाते हैं। माया मोह के महल सुनहरे, सबका मन भरमाते हैं। माया मोह के महल सुनहरे, मोती वो हीरा मिलता कितना मोह सताता है। ये मोती वो हीरा मिलता
कितना मोह सताता है, प्यास बढ़ती जाती है पर हाथ तो कुछ ना आता है। आंखें अंधी हो जाती हैं, दिल पत्थर बन जाते हैं। माया मोह के महल सुने दे, सबका मन भरमाते हैं। इन महलों में सोने वाले दिन चढ़ते पछताते हैं। माया मोह के महल सुने दे, सबका मन भरमाते हैं। राजकुमार, आपके पास ये जादू की अंगूठी और बंसरी तो है ही, फिर इस जंगल में आराम के लिए ओ एक तंबू तो मंगा ही देना, धूप में मुझको जला। ए जादू की अंगूठी, हमारे लिए एक तंबू तैयार कर। ये तंबू, ये फूल, हद है के पलंग। पधारिए राजकुमार, पधारिए। अब जरा इस बंसरी का जादू भी देखे। हाँ हाँ बिल्कुल। बड़ी सुरीली है। हम भी तो बड़े सुर में, बस तुम रागनी बनकर खड़ी रहो। अगर आज्ञा हो तो मैं बैठ जाऊं? हाँ हाँ जरूर। सर आंखों तुम्हारी बंसरी में भी जादू और तुम्हारी अंगूठी में भी जादू। हमारी आंखों में भी जादू नजर आया। जरा दूर से अगर मेरे पास आना चाहते हो तो ये बंसरी और अंगूठी मुझे दे दो, मालूम नहीं तुम मुझे कहाँ उड़ा ले जाओगे। ये लो, अब तो कोई डर नहीं। ठहरो, जरा मुंह धर करो। ये क्या कर रही हो? ढूंढती हूँ कि तुम्हारा दिल कहाँ है। दिल यहाँ नहीं, यहाँ होता है रानी। उधर देखो, वो फूल कह रहा है कि उसे तोड़कर अपनी रानी के बालों में लगा दो। अब समझा? अब समझ जाओगे। अरे ये क्या हुआ? राजकुमार, तुम वो अंगू सब रहा है, ये क्या हो गया? धोखा दे गई।
आज तू भी हार गया। मत अब तू जा और उस धर्म के भक्त जयपाल का घमंड तोड़ दे। जा। चार साथी तो हार गए लेकिन मेरे पंजे से बचकर नहीं निकल सकेगा। अरे युवराज, ये जंगल में घोड़ा, मैं पकड़ता हूँ। हाथ तेरे की, घोड़े का बच्चा आदमी के बच्चे के काबू में आ गया। अरे वाह रे वाह, तू तो इतना डर रहा था। नहीं मैं नहीं डर रहा था, मैं तो अच्छा हुआ तूने बंसरी नहीं बजाई, नहीं तो ये घोड़ा भी नाचता। आपको प्रणाम, आपकी जय जयकार हो। आप में जरूर किसी देव की शक्ति है जो आपने इस घोड़े को अपने बस में किया। तो क्या इससे पहले आज तक इस घोड़े को अपने बस में किसी ने नहीं किया क्या? श्रीमान, ये हमारे स्वर्गवासी महाराज दिग्विजय का पराक्रमी घोड़ा है। इसे पकड़कर आपने हमारे देश के सबसे बड़े वीर को ललकारा है। तुम्हारे देश का सबसे बड़ा वीर कौन है? वीर पहलवान, देखने में पहाड़, लड़ने में तूफान, वीर पहलवान। अच्छा तो हम उसका मुकाबला करेंगे। मथुरा के लोगों, अपने स्वर्गवासी महाराज की आखिरी वसीयत सुनो। जो कोई वीर योद्धा अपने देश के सबसे बड़े पहलवान वीर रणवीर को लड़ाई में पछाड़ देगा, उसको राजकुमारी वरमाला पहनाकर इस देश का राजा बना देगी। है कोई माई तारा तो सामने आ जाए। इससे लड़ने के लिए मैं तैयार। देख रहे हैं आपकी आंखें तो कहती हैं कि आप कोई कविता सोच रहे हैं। कविता मेरी आंखों में ढूंढिए महाराज। हमें क्या हो गया है, हम अपने आप में क्यों नहीं? आपने मेरा दिल चोरी किया है। तुम्हारा दिल? तुम्हारा दिल कहाँ गया? मेरे पास है महाराज। तुम्हारे पास? तुम कौन हो? मैं आपकी रानी हूँ महाराज। आपने रणवीर पहलवान को जीतकर मुझे भी जीत लिया। न जाने मैं किस भूल भुलैया में फंस गया हूँ। आप उधर क्या देख रहे हैं महाराज? उधर मेरी मंजिल है। मैं दूर की मंजिल का मुसाफिर हूँ राजकुमारी। वो मदन कुमार, कौन हो तुम? तुम्हारा हितेशी, तुम्हारे हित की बात कहने आया हूँ। बोलो दोस्त। तुम्हारे भाई ने तलवार के जोर से दिग्विजय महाराज का राज और राजकुमारी दोनों जीत लिए हैं। ये मेरे हित की बात? घबराओ नहीं, तुम्हारी पीठ पे मेरा हाथ है। निकालो अपनी तलवार और चलकर अपने भाई को ललकारो। चलो महाराज,
मैंने मन और वचन से आपको अपना पति माना है। अगर आपको जाना ही है तो मेरी चिता तैयार करते जाइए। मुझे बहुत अफसोस है राजकुमारी, लेकिन अब तुम्हारे आंसू मुझे नहीं रोक सकते। मैं भीख मांगती हूँ महाराज। मुझे मत रोको, मेरा पुरुषार्थ मुझे बुला रहा है। कोई वीर हाथ में तलवार लेके आपको ललकार रहा है महाराज, आप रानी का हाथ पकड़ कर दरबार में जाएंगे तो वो अपनी हार मानकर भाग जाएगा। लीजिए महाराज। वीर स्त्री का सहारा नहीं चाहती, ला तलवार। महाराज। लोगों, मेरी ये तलवार किसी के भी दो टुकड़े कर सकती है, लेकिन ये तलवार हाथ में बड़ी किस्मत से आती है। मदन भैया, अजय पाल, दुश्मन को भाई कहते हो? लोगों, इस कायर को तुमने अपना राजा बनाया? इसे तो हमने दुर्गा भगवती के मंदिर में मारा था, ये हमारे सामने अपनी तलवार कभी नहीं उठा सकता। युवराज, वीरता वीरता को ललकार रही है, तुमने पराक्रमी घोड़े को पकड़ा है, रणभूमि में रणवीर पहलवान को मारा है, इससे हार मान गए तो तुम्हारी वीरता को कलंक लग जाएगा, उठाओ तलवार। मेरी ये तलवार अपने भाई के खिलाफ नहीं उठ सकती। मदन भैया, मैं ये राजपाठ और राजकुमारी तुम्हें सौंपता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हार गया कायर। अरे, वो दोनों चले गए। जाने दो। नहीं महाराज, वो आपके शत्रु हैं, शत्रु को छोड़ देना नीति नहीं। हमारे हाथ में सत्ता है तो हम उसे फिर भी पकड़ सकते हैं। अभी हमारे रंग में भंग मत डालो, जाओ। युवराज, ये जगह ठीक है, जरा आराम कर ले। जैसे तुम्हारी इच्छा छुमंतर, बैठो। हाँ। अरे ओ, अरे ओ। अरे भाइयों, दौड़ो दौड़ो। अरे भाई, क्या चोर? कौन है चोर? ये पड़े मेरे जवाहरात, यही है वो चोर। ये चोर है? अरे अरे सिपाहियों, अरे सिपाहियों, अरे झूठ बोलता है। अरे भाइयों, हम तो मुसाफिर हैं, चोर वर नहीं। तुम झूठ बोलते हो। चुप रहो सिपाहियों, पकड़ लो। अरे ले चलो महाराज के पास। हाँ ले जाओ। अरे सिपाही साहब, अरे महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। युवराज अजय पाल हमारे दरबार में, महाराज मदन कुमार के सामने अपराधी बन गए। अब बोलो अजय, प्रारब्ध बड़ी है कि पुरुषार्थ? पुरुषार्थ। तुम बोलो, इन्होंने कौन सा पुरुषार्थ किया? महाराज अधिराज की जय हो, इन्होंने मेरे जवाहरात चोरी किए हैं महाराज। ये है तुम्हारा पुरुषार्थ? तुम्हारे पुरुषार्थ ने तुम्हें चोर, और हमारे प्रारब्ध ने हमें राजा बनाया है। प्रारब्ध से मिला हुआ राज पुरुषार्थ के बिना जल्दी नष्ट हो जाता है। मदन मदन क्यों कहते हो? महाराज बोलो महाराज, और हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो। तुम अभिमान में आकर अपनी मर्यादा भूल रहे हो मदन, अभिमान अच्छा नहीं है भैया। धर्म का उपासक हमें उपदेश देने आया है। अजय, हमारे पैर पकड़कर माफी मांगो, हमसे हाथ जोड़कर कहो कि हम तुम्हें प्राण दान दें। मैं अपने हाथ सिर्फ भगवती दुर्गा के सामने जोड़ सकता हूँ। दुर्गा के पुजारी, तुझे अपनी देवी पे इतना विश्वास है? तो बुलाओ से कि तुझे हमारे हाथ से छुड़ा के ले जाए। उस भक्त जननी के लाखों हाथ है मदन, ले जाओ और इन दोनों के हाथ काट दो। चलो रखो, रखो। ओ,
यहाँ मर गई है सुंदरता की बच्ची। ओ सुंदरता, हाय हाय राम, हाय 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 राम, सुंदरता आ आ इधर आ। क्या है? आस्ते आस्ते, आज तबीयत बहुत खराब है, चिल्ला मत। देख मेरा माथा कितना गर्म है। तो मैं क्या करूं? अरे कुछ तो कर, तू तो बहुत कुछ कर सकती है महामाए। तुम्हारे रोग की तो बस एक ही दवाई है। जल्दी बता। जूती। बुखार ठीक होता होगा तो वो भी खा लूंगा, ला किधर है? जब देखो तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। तुम्हारे होते हुए और क्या होगा? अब मुझसे कुछ नहीं होगा। हाँ ठहरो ठहरो, कहाँ चली? तुम चली गई तो मेरे दिल की टिक टिक और ये हमेशा की खिटखिट बंद हो जाएगी। बंद होती तो हो जाए, मैं क्या करूं? अरे तुम तो बहुत कुछ कर सकती हो, मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठो और मेरी आंखों में आंखें डालो, मेरा दिल ठंडा हो जाएगा और मन शांत हो जाएगा। तुम कभी ठीक नहीं होगे भैरू, बड़े निखटती हो। अरे तुम ये ऐसा करती हो? हाय राम कैसे बेदर्दी से पाला पड़ा। हाय हाय, तुम्हें कुछ खबर भी है? क्या? राजकुमारी बंसरी बाला ने युवराज की याद में रो रो के अपना बुरा हाल कर रखा है। तो मैं क्या करूं? तुमने भी तो मेरा बुरा हाल कर रखा है। अब यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, जाओ और जाकर युवराज को तलाश करो। मगर अगर, अगर कुछ नहीं, अगर तुम नहीं गए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। सच? हाँ। सोच लिया? अच्छी बात है, तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि युवराज को लोक प्रलोक कहीं से भी ढूंढ कर न लाया तो मैं अपनी काली शक्ल तुझे नहीं दिखाऊंगा। युवराज, ये क्या था और क्या हो गया? शुमंतर, ये सब भगवती दुर्गा की दया है। हाँ भैया, भैया मैं माया के जाल में फंस के एक स्वप्न देख रहा था, वो स्वप्न टूट गया, अब मुझे माफ कर दीजिए, नहीं तो मैं पत्थर मार के नजर फोड़ लूंगा। उठो भैया, मैंने तुम्हें माफ किया भैया। छूमंतर, तुम भी मुझे माफ कर दो वरना मैं तो पहाड़ी उठा के सिर में मार दूंगा। माफ किया? मेरे भैया बड़े दयालु। भैया अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई बैर नहीं तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए। चलो चिंगारी लगा कि उसका बना बनाया खेल बिगड़ जाए। जा।
गा के बुला रही थी वो आ गया है मदालसा। वो कौन, कहाँ है राजकुमारी? तुम उसे नहीं देख सकोगी, उसे तो मैंने अपनी आंखों में छुपा लिया है। जाओ मदालसा, अब तक मैं जिसके सपने देख रही थी आज जी भर कर उसे बातें कर लेने दो। क्या मैं सचमुच चली जाऊँ राजकन्या? अरे तो क्या अभी तक तुम यही हो? अब नहीं हूँ, देख लीजिए। अब यहाँ कोई नहीं मेरे सपनों के राजा। नागकन्या। अरे तुम, तुम्हें तो रोज मैं अपने सपनों में देखती हूँ, मगर ये सपना तो नहीं, तुम तो सचमुच मेरे सामने खड़े हो। मैं समझ गई तुम यहाँ क्यों आए हो। क्यों आया हूँ? तुम मेरे दिल का दर्द जगाने आए हो परदेसी। नहीं तो? तो क्या ये भी झूठ है जो गाना तुम मुझे सुनाते थे? क्या आज वही सुनाओगे? मैं ना गाना सुनाने आया हूँ नागकन्या, ना प्रेम जगाने, मैं तो यहाँ लाल मणि लेने आया हूँ। लाल मणि? नहीं नहीं, वो तुम्हें नहीं मिल सकती। उसी को पाने के लिए तो मेरा पुरुषार्थ मुझे यहाँ तक खींच लाया है। यहाँ तुम्हें मेरा प्यार खींच लाया है, लेकिन मैं तुम्हें लालमणि तक पहुँचने नहीं दूंगी। तुम मुझे रोकोगी नागकन्या? हाँ, लालमणि की रक्षा एक बहुत बड़ा काला नाग करता है। भगवान के लिए मुझे वहां तक ले चलो। परदेसी, तुम जानबूझ के अपनी जान गंवाना चाहते हो? मैं अपना वचन निभाना चाहता हूँ नागकन्या। मैंने अपने पिताजी को वचन दिया था, या तो मैं लालमणि लेकर आऊंगा नहीं तो वहीं अपने प्राण दे दूंगा। राजकुमार, तुम्हारे प्राण तो मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं। मैं तुम्हें लालमणि तक तो ले जा सकती हूँ, लेकिन फिर मेरा क्या होगा? क्यों, क्या होगा? तुम तो लालमणि लेकर अपने देश चले जाओगे और यहाँ मुझे नाग देवता हमेशा के लिए कालकोठे में बंद कर देंगे। मेरे होते हुए तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देगा। तुम वचन देते हो परदेसी? हाँ ना कन्या। तो आओ मेरे साथ।
जाल में नहीं ले आई है, कहीं पिताजी को खबर ना हो जाए। यहां लेकर आई हो ना कन्या, हम तुम्हें इस धोखे की सजा जरूर देंगे और सबसे पहले इस मनुष्य की जान लेंगे। अंशुराज पिताजी, इन पर दया कीजिए ना। हरगिज नहीं, मैं अभी से जलाकर भस्म कर दूंगा। वो तो पहाड़ के नीचे जरा सैर करने गए। पहाड़ के नीचे सैर करने गए? हाँ। और तुम यहाँ बैठे तमाशा देख रहे हो? ना, 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 हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं। नीचे गए? हाँ जी, नीचे गए। ऊपर से आ रहे हैं। युवराज, युवराज। अजय बाल, जान बचाकर मुझे लेकर भाग चलिए सरकार। नहीं नहीं, मालूम पड़ता उसे लालमणि मिल गई। लालमणि तो समझे साथ में एक लाल परी भी है। नहीं, अब भाग नहीं सकते। हा? चलो उससे मिलें। हेलो युवराज, 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 मैं ढूंढते ढूंढते तो मेरे पांव जवाब दे गए और तुम्हारे इंतजार में उस बिचारी बंसरी बाला का बुरा हाल है। रो रो के आंखें लाल है, रंग पीला पड़ गया है। खैर, पीले काले को छोड़िए और ये बताइए कि लालमणि लाए। आओ चलो छो। शाबाश, ये लीजिए मेरी तलवार और मेरे दो टुकड़े कर, और मेरे तो 10-12 टुकड़े कर दो। पागल मत बनो, क्या मैं अपने हाथों से अपने भाई का खून कर सकता हूँ? आप ही के हाथ से तो मरने के लिए मैं जंगल में भटक रहा था भैया। राजकुमार, ये सिपाही तो हमारा पीछा कर रहे हैं। ठहरो, मैं बंसी बजा के इनको खूब नचाता हूँ। ठहरो, इनका मुकाबला मैं अपनी तलवार से करूंगा। ये लीजिए, हमने तो Oh, my God.
नहीं दिखी, खून भी नहीं निकला, कितना सदस्य है। क्यों लग रहा है भाई? जान ले लूंगा, ये चाहिए तो लेना भाई, मगर बहुत वजनदार है। नाग कन्या, ये मेरे छोटे भाई मदन कुमार है। मैं इनका नालायक भाई हूँ नाग कन्या, मुझ दुष्ट ने तो इन्हें पहाड़ से नीचे गिरा दिया था। अगर तुम तो पहाड़ से नीचे ना गिराते तो हमें लाल मनी कैसे मिलती और मुझे युवराज कैसे मिलते? भाई ये मिलना मिलाना होता रहेगा, भूख बहुत लगी है, जल्दी खाने पीने का प्रबंध करो। नहीं भैरव, हमें बहुत दूर जाना है और रास्ते में बंसरी बाला से ही मिलना है। बंसरी बाला से? हाँ। मेरी सुंदरता भी मेरा इंतजार कर रही होगी। चलो भाई, चलो बैठो अंदर, जल्दी करो।
चुप चुप आंखें रोए हमारी, चुप चुप के अरमान, चुप चुप आंखें रोए हमारी, चुप चुप के अरमान। राजकुमारी जी आपके वो और मेरे वो दोनों के वो आ गए। क्या मेरी प्रीतम आ गई? बंसी आप आ गए। युवराज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी। मुझे तुम्हारा प्यार याद खींच रहा है। हाँ इनसे मिलो। मैं इनसे मिल चुकी हूँ युवराज। यह है मेरे छोटे भाई मदन कुमार। यह आपके भाई हैं? बंसी यह है नागलोक की राजकुमारी जिनकी मदद से हमें ये लालमणि मिली। नागकन्या यह राजकुमारी बंसरी बाला। राजकुमारी जी सुंदरता जिसके लिए तारे गिन गिन कर रातें बिताई, दिन में जिसके सपने देखती रही, वो आया भी तो मेरे सौत को लेकर। बंसरी चले जाइए राजकुमार। मैं ना जानती थी कि जिसके मिलने के लिए मैं इतना तड़प रही हूँ वो मेरी मौत को साथ ले आएगा। बंसरी तुम ईर्ष्या की आग में जल रही हो। ईर्ष्या बहुत बुरी चीज है बंसरी। ये ईर्ष्या बहन बहन को, भाई भाई को, आदमी आदमी को लड़ा देती है। इस ईर्ष्या के कारण पड़ोसी दुश्मन बन जाते हैं, कौमें तबाह हो जाती हैं। बंसरी मैं आ सकती हूँ बहन? आओ बहन। आज मधु मिला है युवराज, इसी खुशी में आज हम सब रासलीला खेलेंगे। मैं तो बनी रे जो कहाँ जाके बैठे मेरे।
क्या हुआ? अरे हूँ ताकि आपके छोटे भाई लालमणि लेकर उड़ गए। लालमणि? 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 आगे आगे आगे, अब क्या होगा? घबराइए नहीं युवराज, हमारे पास विमान है, हम उसका पीछा करेंगे। जरूर करेंगे, चलो। किस्मत है लोगों, लालमणि हासिल करना बहुत बड़ी किस्मत। लालमणि ले आए मदन कुमार? जी महाराज। कहाँ है, हमें दिखाओ। अभी दिखाता हूँ महाराज, देखिए महाराज। क्या देखिए? लालमणि महाराज। कहाँ है लालमणि? लालमणि कहाँ गई? जिसकी थी उसके पास पहुंच गई महाराज। अजय, मेरा धर्मवीर, मेरा पुरुषार्थी बेटा। महाराज ये लीजिए लालमणि। लालमणि? धोखा, ये धोखा है महाराज। लालमणि तो मैं लेके आया हूँ। झूठे, तुम पाताल में कब आए? तुम तो मेरे सेवक बन के रहे हो। तुम्हारे सेवक? ये कौन? महाराज यह है राजकुमारी बंसीवाला, जिनकी मदद से हम पाताल लोग पहुंचने में सफल हुए। और यह है नागकन्या, जिनकी मदद से हमने ये लालमणि पाई। ये सब झूठ है महाराज, मैं किसी के सेवक बन के नहीं रहा। लालमणि तो मैं लाया हूँ। मैं झूठ बोलती हूँ तो दिखाओ अपनी गर्दन। महाराज इस सेवक की गर्दन पर मेरी अंगूठी का निशान है। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, है महाराज है। चलो मैं इसके कपड़े उतारता हूँ। इसकी गर्दन देखो। ये रहा महाराज। देखा महाराज आपने? देखा। मदन तुम चोर हो और तुम्हारी सजा मौत। महाराज अपने भाई के लिए मैं मरने को तैयार हूँ। भैया पौपर, शाबाश। धन्य हो अजय पाल, तुम पुरुषार्थ की परीक्षा में सफल हुए बेटा। तुमने सिद्ध कर दिया कि प्रारब्ध से पुरुषार्थ सचमुच महान होता है। युवराज की जय। काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर को जीतने वाले युवराज अजय पाल की जय। माँ दुर्गा की जय। गुरुदेव की जय। धर्म की जय। बंसरी बालक की जय। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जताती है, कितना प्यार जताती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जताती है, कितना प्यार जताती है। स्वास स्वास की रक्षा करती, स्वास स्वास की रक्षा करती, पग पग प्राण बचाती है, कितना प्यार जताती है।